सत श्री अकाल सारू, मैं जसमीत भाटिया लैंडमार्क इमीग्रेशन तो, और अज भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करांगे। अटलांटिक प्रोविंस की गल चली है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर अटलांटिक प्रोविंस जेडे इंस्टीट्यूट्स है यूनिवर्सिटीज़ है उन्हां बारे डिस्कस किया जाए। सो अज भी मैं एक नवी यूनिवर्सिटी बारे डिस्कशन करांगा, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। सो यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड बारे अज दे इस इनफॉर्मेशन सैशन च डिस्कशन करांगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की जिहड़ी लोकेशन है वो बड़ी अट्रैक्टिव हैगी है। शार्लट टाउन उन्हूं कहा जांदा है, जिहदी आबादी सिर्फ 36,000 हैगी है। 36,000 इज़ द पॉपुलेशन ऑफ शार्लट टाउन। इट्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस। हार्बर तीन रिवर्स का जॉइंट होंदा जिथे हार्बर कहा जाता है शार्लट टाउन दे नू, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। इफ यू विल विजिट यू विल रियली एंजॉय इट्स लिविंग इन दिस सिटी बिकॉज ट्रैफिक घट है। जो तुसी जॉब ते जाना होएगा इट विल बी अ शॉर्ट टाइम टू योर जॉब, शॉर्ट टाइम टू योर यू स्टडीज ऑल्सो, एंड घर तक भी तुहानू घट समा लगेगा। बट स्टूडेंट्स बहुत ही सैटिस्फाइड है, इन वर्क इनवायरमेंट इज रियली रियली ग्रेट। 20% ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस यूनिवर्सिटी आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स द यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड दे, एंड प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एक प्रोविंस हैगा जिहदी पॉपुलेशन बड़ी घट है, एंड AIPP दे अंडर आंदा, अटलांटिक इमीग्रेंट नॉमिनी पायलट प्रोग्राम दे अंडर आंदा, एंड इट इज़ एक्सटेंडेड। सो AIPP जिहड़ा प्रोग्राम पायलट प्रोग्राम से एक्सटेंड कर दिता गया है, एंड यू कैन देर आर सर्टन पॉइंट्स जे तुसी कर लेंदे हो पूरे तो PR लेनी भी आसान हैगी है। सो फर्दर डिस्कशन करते हैं। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की जी मैं शार्लट टाउन क्या, इट इज़ रियली पीसफुल सिटी, पीपल आर रियली रियली फ्रेंडली, एनवायरमेंट इज़ गुड, इट इज़ वेरी क्वाइट एंड वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स, एंड इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस इन कैनेडा। फैकल्टी इज़ रियली रियली सपोर्टिव एंड प्रोफेसर्स आर ऑलवेज helping the students. Class size is really small. So, padhan da tuhanu maza aayega. It's like 1:20 di ratio cha hai. And it's a small size university. So, je university de web page te jaake tusi kuch search karna chahunde ho, ta upei.ca करके यूनिवर्सिटी का वैब पेज है, उत्ते जाके तुसी यूनिवर्सिटी बारे इनफॉर्मेशन ले सकते हो। नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ शार्लट टाउन एयरपोर्ट विच इज़ द एयरपोर्ट इन द सिटी, एंड 280,000 पसेंजर सालाना शार्लट टाउन ट्रैवल करते हैं। यूनिवर्सिटी जिहड़ी एस्टैबलिश हुई सी दैट वॉज 1969 विच एस्टैबलिश हुई सी। टोटल स्टूडेंट्स 5,000 के करीब यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, एंड जिहड़े प्रेजिडेंट हैं यूनिवर्सिटी के दैट इज़ डॉक्टर आला, एंड दोनों ही प्रोग्राम्स ऑफर होंगे हैं बैचलर्स एंड मास्टर्स। सो बट मैं सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस कराँगा कि बैचलर्स तुसी अप्लाई करो, फीस इज़ रियली रियली अफोर्डेबल, इट इज़ बिटवीन $14,000 टू $16,000। सो फैकल्टीज डिवाइड की गई 8 मेजर फैकल्टीज है जिसे एडमिशन ले सकते हो, आर्ट्स, बिजनेस, साइंस, एजुकेशन, नर्सिंग, वैटनरी, मेडिसिन, सस्टेनेबल डिजाइन, इंजीनियरिंग, जिहड़ियां तुसी इन्हां फील्ड विच यूनिवर्सिटी च पढ़न जा सकते हो। एप्लीकेशन फीस इज $50 ओनली जे तुसी अप्लाई करना चाहते हो यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड च। टर्न अराउंड टाइम विल बी क्लोज टू 3 weeks to 4 weeks जे तुहाडे सारे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स तुसी सबमिट कर देंदे हो। वैसे तो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट 6.5 नो बैंड लैस दैन 6 है, पर तुसी ओवरऑल 6 बैंड के नाल भी अप्लाई कर सकते हो, बड़ा ही ईजी हैगा। PTE 58 के नाल भी अप्लाई कर सकते हो। बट जे स्टूडेंट्स तुसी नर्सिंग, रेडियोग्राफी, वैटनरी, मेडिसिन या एजुकेशन विच इन्हां स्ट्रीम विच पढ़ाई करना चाहते हो तो ओवरऑल 7 बैंड्स की रिक्वायरमेंट है। बट जब तुहाडे बैंड पूरे नहीं हो रहे तो जो तुसी यूनिवर्सिटी पहुँचोगे तो तुहाडा एक इंग्लिश का टैसट लिया जाएगा, एंड जे तुसी वो टैसट क्लीयर कर लेंदे हो दैन देयर विल बी नो ESL, सो नो सपोर्टिंग इंग्लिश कोर्स विल बी तुहानू पढ़ना पएगा। सो विदाउट ESL तुसी पढ़ सकते हो। सो ओवरऑल 6 बैंड वाले स्टूडेंट भी इस यूनिवर्सिटी च एडमिशन लै सकते हैं विद ESL, बट जो तुसी यूनिवर्सिटी पहुँचोगे एक इंग्लिश का प्रैप टैसट होंदा, जे वो तुसी क्लीयर कर लेंदे हो दैन देयर विल बी नो ESL एंड यू कैन स्टार्ट योर स्टडीज़। ज़्यादातर कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ इदा ही करती हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिम्मे एक मोड्यूल चो 5.5 बैंड है या ओवरऑल 6.5 है, फिर भी एक मोड्यूल चो 5.5 बैंड है, दैन वैन दे रीच कैनेडा सो दे हैव टू गिव एन इंग्लिश टैसट, एंड इफ यू क्लीयर दैट टैसट दैन यू डोंट हैव टू अटेंड ESL कोर्सिस। सो ये यूनिवर्सिटी की यूनीकनैस हैगी है। आई जस्ट टोल्ड यू कि अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी हैगी है। एकेडेमिक रिक्वायरमेंट इज 70%,
70% नाल तुसी अप्लाई करोगे। स्टूडेंट्स विद लोअर परसेंटेज कैन ऑलसो अप्लाई बट प्रेफरेबली 70%। सो टू टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स आर देयर, एंट्रेंस स्कॉलरशिप एंड करंट स्टूडेंट स्कॉलरशिप। सो यू कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप ऑल्सो। गैप की कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी एंड जे तुसी अप्लाई करना चाहते हो तो गैप इज नॉट एन इशू। सो यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड बारे असी डिस्कशन की जी कि शार्लट टाउन च सिचुएटड हैगी है एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर यू टू स्टडी एंड लैंडमार्क इमीग्रेशन डायरैक्टली काम करता है UPEI नाल एंड तुसी सानू कॉन्टैक्ट कर सकते हो जे तुसी AIPP दे अंडर UPEI यूनिवर्सिटी च पढ़ना चाहते हो। सो धन्यवाद। यू कैन कॉल अस एट 9041390412। यू कैन ईमेल मी एट info@landmarkimmigration.com। यू कैन विजिट आर नियरेस्ट ऑफिस बट आई विल टेल ऑल स्टूडेंट्स टू बी पॉजिटिव एंड बी मोटिवेटेड एंड ऑलवेज एम हायर। Thank you.